पुरानी अहमियत वाली ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं इस्लामिक स्ट्रक्चर्स, तो उनका रख रखाव भी वक्फ बोर्ड्स को हैंडओवर किया जाएगा। लाल किला और इस तरह की जितनी भी इस्लामिक तरह की प्रॉपर्टीज हैं उसको क्यूरेट करने का, रख रखाव करने की जिम्मेदारी भी वक्फ के हवाले की जानी चाहिए। अगर कोई मस्जिद है तो अगर वो नमाज पढ़नी बंद कर दी जाए तो वो उस तरीके से उसको प्रिजर्वेशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मस्जिद में अगर नमाज ही नहीं पढ़ रहे तो स्ट्रक्चर की कोई वैल्यू नहीं है, पूरा कल्चरल हेरिटेज के साथ ही उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए कि नमाज भी पढ़ी जाए और वो सुरक्षित भी रहे। कि जामा मस्जिद पे भी खतरा मंडरा रहा है, वहाँ पे दिल्ली की जामा मस्जिद, ईदगाह के ऊपर तो जो हो रहा है वो सब जानते ही हो आप, दिल्ली की जामा मस्जिद पे अगला निशाना। और इम्प्रूव कराया जाए और उसके बाद हम डिटेल में भी वक्फ एक्ट में तरमीमें पेश कर रहे हैं, जो इन 44 तरमीमें हैं जो प्रपोज्ड हैं उनको खत्म करके बल्कि एक मजबूत वक्फ कानून बनाएंगे, आंदोलन करेंगे उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। ये बुनियादी तौर पे खाका है, अब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, आप चाहें तो इसको भी लेके इसको शाया कर सकते हैं। पहला हमारा मुद्दा जो इसमें है, इसमें ये दिखा भी दूं साथ में, आप लोग इसको दिखाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा क्लोजअप करके। पहली बात जो हमने इसमें कही है वो ये कही है कि इस प्रपोजल में ये है ऑब्जेक्टिव्स एंड सेलियंट फीचर्स ऑफ पीपल्स अमेंडमेंट्स ऑफ वक्फ एक्ट। तो इसमें सबसे पहली बात हमने ये कही है नोट के तौर पे कि इसमें जितने भी प्रपोजल्स हैं वो बहुत सावधानी के साथ, बहुत होशियारी के साथ और बहुत जहानत के साथ हमने बनाए हैं, इस तरह के इसमें के भारत के संविधान के मुताबिक ही हो पूरी तरीके से ये जो हमारे प्रपोजल्स हैं। और दूसरा, ये जो प्रपोजल्स हमारे हैं, जो ये हमारे सेलियंट फीचर्स हैं, ये भारत में पार्लियामेंट से पास या कोई प्रिवेलेंट लॉ जो कानून अभी मौजूद है उसके हिसाब से या कहीं ना कहीं जितने भी प्रोविजन इसमें हैं वो भारत के किसी और कानून में पहले से मौजूद हैं, ताकि इसको संसद में पास कराने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। ये इसके जो महत्वपूर्ण बात है इसमें। दूसरी बात यह है कि जो प्रपोजल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, जिसको मैं ये कहता हूं कि हम लोग तो बात करने जाएंगे ही नहीं, अगर दूसरे लोग उसको बात करके या उस प्रपोजल्स को किसी तरीके से रुकवाने का कोई काम कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है सब, उसको बिल्कुल रुकवाएं, लेकिन हमारा काम एक मजबूत आंदोलन और मजबूत कार्रवाई करने का है, जिससे वक्फ की आने वाले लंबे टाइम तक असली फायदा वक्फ के जो मजलूम हैं, वक्फ जिनके लिए बना है, उनके मकसद को पूरा हो सके, जिन जो वाकिफ हैं, जिन लोगों ने अपनी ये जमीनें और जायदादें दी हैं, उनके मकसद को पूरा करने का है, ये फुल प्रूफ प्रोग्राम हमारा। तो पहले क्लॉज में जो हमने कहा है कि ये जो वक्फ का बिल इंट्रोड्यूस कर रही है सरकार, इसमें से हम जो इसका टाइटल है वो है टाइटल यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, इसको हम मंजूर करते हैं टाइटल को। टाइटल के अलावा सारे जो 44 के 44 प्रपोजल हैं उनको हम रिजेक्ट करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनसे बेहतर प्रोविजंस इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, क्या के मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी और डेवलपमेंट जो कि नाम बताता है उसको पूरा करने के लिए बेहतर प्रावधान 2013 के वक्फ एक्ट में मौजूद है, इसलिए हम इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। हालांकि 2013 के कानून में भी इंप्रूवमेंट्स की पॉसिबिलिटी है, जरूरी है वो, और वो क्या चेंजेस हैं वो हम प्रपोज कर रहे हैं। पहला है, ये कानून में लिखा जाएगा कि ये सरकार और पार्लियामेंट इस बात को तस्लीम करती है, इकरार करती है इस बात का कि जो भारत एक वेलफेयर स्टेट है उसमें वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है, एक 15% पॉपुलेशन जो है देश की बगैर सरकारी तंत्र पे जोर डाले उनकी फला बहबूद यानी कि वेलफेयर का काम कर सकती है, तो सरकार और पार्लियामेंट वक्फ के इस कॉन्सेप्ट का धन्यवाद करना चाहती है, क्योंकि बिना प्रेशर डाले काफी हद तक सरकार का बोझ वो निभा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, और बगैर सरकार से या किसी भी सरकारी मदद के ये काम कर सकते हैं। पहला हमारा सेलियंट फीचर ये है, ये
इस कानून में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। दूसरा के वक्फ एक का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। अब इसमें डेफिनेशन पे हमने थोड़ा चेंज किया है, ये सिर्फ डेडिकेशन के बारे में नहीं, हमने ये लिखा है कि वक्फ जो है कोई जो वाकिफ देता है उससे हमेशा के लिए वो दूर भी हो जाता है। और इसमें हमने टेंजिबल और नॉन टेंजिबल प्रॉपर्टीज भी डाली हैं, क्योंकि आज के मॉडर्न जमाने में शेयर मार्केट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे कोई पेटेंट है वो लाखों करोड़ों रुपए के पेटेंट हो सकता है जिसका इतना फायदा, लेकिन उसको कोई जमीन जायदाद तो नहीं होती है, तो वो भी वक्फ की जा सकती है। ये भी हमने प्रोविजन इसलिए डाला है इसमें कि ये प्रॉपर्टीज जो हो, प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ जमीन जायदाद, पैसा जेवरात ही नहीं होगा, बल्कि नॉन टेंजिबल एसेट्स जो है जिसमें कहा जा सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक सबसे बड़ी वो है, और वो बहुत कीमती चीज होती है। मेरे अपने नाम पे ही एक ऐसा पेटेंट है जो बहुत ज्यादा उसकी कीमत है, तो वो भी वक्फ किया जा सकता है। ये एक उसका ये डेफिनेशन में वक्फ की, और वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, और वाकिफ की जो मंशा है वो हमेशा सर्वमान्य होगी, और किसी भी प्रकार की परमानेंट एलियनेशन प्रॉपर्टी बेचना, सेल करना, किसी को गिफ्ट करना, इस तरीके की चीजें पूरी तरीके से ये पुराने कानून में भी है वॉइड होंगी, मतलब बिल्कुल उनकी कोई कानूनी ताकत नहीं होगी, कोई भी की प्रॉपर्टी सेल की जा सकती है। उसमें हमने ये ऐड किया है कि अगर कोई भी इंसान वक्फ बोर्ड का मेंबर हो, मुतवल्ली हो, या कोई सरकारी अधिकारी हो जो इस प्रकार की सेल डीड बनाता है, एग्रीमेंट बनाता है, या उसको रजिस्टर करता है, तो उसको जो है 10 साल की सजा कम से कम होगी और उम्र कैद की सजा ज्यादा से ज्यादा होगी, ये प्रावधान रखा जाएगा। और जो इस तरह की कोशिश करेगा, वो जो एग्रीमेंट होगा वो तो किसी कानूनी ताकत का होगा ही नहीं, वॉइड एब इनिशियो होगा, लेकिन उस जिस मकदार की वो ये दुस्साहस करने का कोशिश करेगा, उसका 2.5% पेनल्टी भी उस पर लगेगी, ताकि कोई जरूरत ना करे इसको बेचने की या इसको उस तरीके से खुद बुट करने की। सिर्फ 10 साल से कम 10 साल पनिशमेंट, और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद ही नहीं होगी, बल्कि जितना पैसा वो खुद बुट करने की कोशिश कर रहा होगा उस सेल डीड से, उसका 2.5% पैसा उसके ऊपर फाइन या जुर्माना भी लगेगा। दूसरी बात यह है कि वक्फ के किसी भी फंक्शन में किसी नॉन मुस्लिम को इजाजत नहीं होगी कि वो उसमें कोई फंक्शनिंग में, मैनेजमेंट में, या उसके राइट या टाइटल में किसी भी तरीके से दखल अंदाजी कर सके या उसका कोई हिस्सेदारी हो। हाँ, कोई ऐसा इंसान जो नॉन मुस्लिम है और उसको लगता है कि वो अपनी जायदाद में से इस्लामिक कार्यों के लिए जो पायस चीज़ें हों, जो रिलीजियस चीज़ें हों, या वेलफेयर की चीज़ें हों, वो उसके लिए जानबूझ के नॉन मुस्लिम होने के बावजूद भी अगर वो देना चाहता है तो वो दे सकता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट ये है कि हम एक नेशनल लेवल पे वक्फ की ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो क्या काम करेगी, उसमें टॉप प्रोफेशनल जो मुस्लिम होंगे देश के वो रखे जाएंगे, और वो क्या काम करेगी, जैसे के फाइनेंस कैसे डेवलप करना है, किसी जगह को डेवलप कैसे करना है, उसमें से बेस्ट जो प्रोफेशनल्स होंगे उसको इस्तेमाल किया जाएगा। वो एक कमीशन बनेगी पूरी वक्फ कॉरपोरेशन जिसका नाम रखा जाएगा, उसमें मैनेजमेंट कैसे होनी है वक्फ की प्रॉपर्टीज की, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाया जाए, उसके लिए देश के टॉप प्रोफेशनल्स को उसमें उस कॉरपोरेशन में रखा जाएगा कि फाइनेंस कैसे जनरेट करनी है इन प्रॉपर्टीज़ को। जैसे कोई वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, उसमें अगर कोई मॉल बनाना है 1,000 दुकानों का, तो वो कैसे सबसे अच्छे तरीके से 0% इंटरेस्ट पे कहाँ से दुनिया में लोन रेज किया जा सकता है, और वो सबसे अच्छी दुकानें क्या हो सकती हैं, या वक्फ की इन्वेस्टमेंट करनी है हमें, कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई बहुत बड़ा कारोबार शुरू करना है वक्फ की जायदादों से, तो वो उसमें बेस्ट प्रोफेशनल्स लगे, और उसके लिए ये वो कराई जाएगी। दूसरा एक और जो हम नई चीज़ ला रहे हैं इसमें, वक्फ के मस्जिदें, मज़ार और दूसरे इस्लामिक स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो या तो ASI यानी कि आसार-ए-क़दीमा के अंडर हैं, या
उनके अंडर नहीं भी है लेकिन वो पुरानी अहमियत वाली ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं इस्लामिक स्ट्रक्चर्स, तो उनका रख रखाव भी वक्फ बोर्ड्स को हैंड ओवर किया जाएगा जो इन प्रोफेशनल्स की निगरानी में, जो वक्फ कॉरपोरेशन बन रही है उसमें इस तरह के लोग भी होंगे जो क्यूरेशन जानते होंगे वक्फ की प्रॉपर्टीज का, पूरी दुनिया से महारत हासिल जिनके पास होगा। आज भी इंटेक को देती है हमारी सरकारें एएसआई का काम, और अभी आपको पता होगा लाल किले का काम एक डालमिया है कोई उनको दे दिया जिनको कुछ पता ही नहीं। तो हम ये इस तरह की प्रोफेशनल बॉडी वक्फ कॉरपोरेशन के जरिए बनाएंगे, तो लाल किला और इस तरह की जितनी भी इस्लामिक तरह की प्रॉपर्टीज हैं उसको क्यूरेट करने का, रख रखाव करने की जिम्मेदारी भी वक्फ के हवाले की जानी चाहिए। और एक बात जो ये कही जाती है मस्जिदें नमाज सड़कों पे पढ़ने की, जब ये वक्फ की जो एएसआई की मस्जिदें हैं वो अगर खुल जाएंगी तो ये सड़कों पे नमाज पढ़ने की जो एक प्रॉब्लम बताई जाती है वो भी दूर हो जाएगी। और एएसआई के कानून में भी लिखा हुआ है कि जिस तरह की बिल्डिंग हो उस तरह का उसका रख रखाव भी उसी तरीके के कल्चर के हिसाब से जब तक नहीं होगा वो बिल्डिंग का मतलब प्रोटेक्शन नहीं मानी जाएगी। अगर कोई मस्जिद है तो अगर वो नमाज पढ़नी बंद कर दी जाए तो वो उस तरीके से उसको प्रिजर्वेशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मस्जिद में अगर नमाज ही नहीं पढ़ रहे तो स्ट्रक्चर की कोई वैल्यू नहीं है, पूरा कल्चरल हेरिटेज के साथ ही उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए कि नमाज भी पढ़ी जाए और वो सुरक्षित भी रहे। इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया एएसआई को जामा मस्जिद के लिए, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जामा मस्जिद पे भी खतरा मंडरा रहा है। वहाँ पे दिल्ली की जामा मस्जिद, ईदगाह के ऊपर तो जो हो रहा है वो सब जानते ही हो आप, दिल्ली की जामा मस्जिद पे अगला निशाना है, तो ये भी आप लोगों को मैं चलते चलते बता दूंगा। फिर एक वक्फ की सिक्योरिटी एजेंसी, जैसे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज का एक एक्ट है प्राइवेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट, तो वक्फ की हर वक्फ बोर्ड में वक्फ की सुरक्षा के लिए एक उनकी प्राइवेट फोर्स, वो बहुत अहम चीज़ है, उसका भी प्रावधान रखा जाए किसी भी आने वाले वक्फ के कानून में। तीसरी जो एक हमारा आठवां प्रपोजल ये है कि बहुत सारे हमारे जो तकरीबें होती हैं, जलूस होते हैं, कोई हमारे ऑस्पिशियस ओकेजन होते हैं जिसपे जिनको ऑब्जर्व करना बहुत ही टेक्निकल एक तरीके से और उसको ट्रेडिशंस के हिसाब से कैसे मनाया जाना है या ऑब्जर्व करना है, उसके लिए भी एक कमेटी बनेगी ताकि उसका कोई एक फॉर्मेट प्रॉपर फॉर्मेट में, ताकि उन त्योहारों की और उन जो मुकद्दस दिन है उनके लिए, जैसे ताज़िया निकालने का जिस तरह के जितने भी प्रोग्राम हैं वो एक पूरी तरीके से कानूनी दायरे में कानूनी परमिशंस लेके और पूरी तरीके से ट्रेडिशनल हिसाब से इस्लामिक तरीके से की जा सकें, ये भी एक जिम्मेदारी वक्फ की होनी चाहिए। फिर एक जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल होंगे और स्टेट लेवल के जो बोर्ड्स होंगे वक्फ बोर्ड, इनमें 18 साल से इसको हम इलेक्शन के तौर पर इनके मेंबर्स चुने जाने चाहिए, ये प्रपोजल भी है, इलेक्शन के जरिए चुने जाने चाहिए। 18 साल से ऊपर कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी का व्यक्ति वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है उसमें वोट देके अपने इनको चुन सकता है, और चुनने की जो जिम्मेदारी है इलेक्शन से होगी, और इन इलेक्शंस में इन मेंबर में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के कॉन्सेप्ट से ये इलेक्शन करके सीटें एक तरीके से रिजर्व की जाएंगी इन वक्फ के सेंट्रल काउंसिल में भी और वक्फ बोर्ड्स में भी। ये जो शरारत सरकार ने करने की कोशिश की है बैकवर्ड पासवानदा मुसलमानों को इसमें प्रपोजल में देके, उससे ये जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी से ये आस्पेक्ट भी एड्रेस हो जाएगा, और महिलाओं के लिए भी 50%, क्योंकि महिलाओं की पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से जिसकी जितनी संख्या भारी से वो भी हो जाएगा। जो ये कम करके इस प्रपोजल में दो करने की जो प्रावधान है, हालांकि पहले 2013 के एक्ट में महिलाओं का अप टू मिनिमम दो है, दो से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने जो कम किया है वो भी इससे उससे एड्रेस हो जाएगा। फिर दसवां हमारा है एक वक्फ का जुडिशल कमीशन बनाने का, जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस हाई कोर्ट के जजेस होंगे, जो वक्फ बोर्डों के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हो जाते हैं
कोशिश ये की जाएगी कि उनको सॉल्व कर लिया जाए। और एक वक्फ बोर्ड और दूसरे वक्फ बोर्ड में कई जगह लड़ाइयाँ देखी गई हैं, बहुत सारे जो इख्तिलाफ हो जाते हैं वो, और जो काफ़ी कोशिश ये की जाएगी, जो भारत सरकार के भी जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है जिसको बहुत भारत सरकार और हमारी सुप्रीम कोर्ट और देश के कानून बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि आर्बिट्रेशन करके, कंसिलिएशन करके और मीडिएशन करके डिस्प्यूट सुलझाए जाए, जो वक्फ के अंदरूनी वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के बीच दरमियान, वक्फ बोर्ड और सीईओ के दरमियान भी कई बार हो जाते हैं, तो सरकारी अधिकारियों के दरमियान हो जाते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए एक वक्फ जुडिशियल कमीशन जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस और बहुत ज़्यादा जो रिस्पेक्टेड सोशल और रिलीजियस जो हमारे फंक्शनरीज हैं, बहुत ज़्यादा जिनको यूनिवर्सली रिस्पेक्ट की जाती है, वो हमारे मजहबी रहनुमा, सोशल रहनुमा भी होंगे, उनको भी इसमें जुडिशियल कमीशन में रखा जाएगा। और एक उसके बाद वक्फ के डेडिकेटेड ट्राइब्यूनल्स रखे जाने की प्रावधान है, और उसमें वक्फ एपेलेट ट्राइब्यूनल का भी प्रावधान रखा है। और ये वक्फ के ट्राइब्यूनल्स जो होंगे उसमें जैसा आज के कानून में भी है, इसमें सेशन जज जो होंगे वो उसको हेड करेंगे, उसके अलावा दो मेंबर्स और होंगे। एपेलेट ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड जो हाई कोर्ट के जज होंगे वो उसको हेड करेंगे और उसमें दूसरे मेंबर भी होंगे। इस तरीके से इसका पर्पज़ ये होता है, 18 तरीके के ट्राइब्यूनल्स हमारे देश में काम करते हैं और उसका पर्पज़ यही होता है कि जो हमारे कोर्ट्स हैं वो इतना बर्डन नहीं उठा पा रहे, उनके ऊपर करोड़ों करोड़ों मुकदमे हैं, तो ये ट्राइब्यूनल्स बनेंगे जो वो इन मुकदमों का निपटारा जो होगा वक्त के जल्दी से जल्दी कर सकेंगे। उसकी टाइम बाउंड, उसकी मिकदार रखी जाएगी कि इतने टाइम में तो ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व भी होने हैं। और इसकी इसका ये रखा जाएगा कि ये जो वक्फ ट्राइब्यूनल्स होंगे ये वक्फ के अलावा कोई और दूसरा केस नहीं देखेंगे। डिले होने की वजह ये भी होती है कि डेडिकेटेड ट्राइब्यूनल्स नहीं बनते हैं, जो उनके मेंबर्स होते हैं वो जो चेयरमैन भी होते हैं, जो जज होते हैं वो भी दूसरे काम भी, दूसरे फंक्शंस भी करते हैं। तो ये स्पेशलाइज बनेंगे, एक्सक्लूसिव बनेंगे, उसके अलावा कोई काम वो नहीं करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से उनको केसों का निपटारा करना पड़ेगा। 13वीं जो हमारा है वो एक हम ऑल इंडिया इंटरैक्टिव मैप, जिसमें जैसे आप लोग लाइव लोकेशंस भेजते हैं ना, और मैप के जरिए गूगल जो मैप होते हैं उसके जरिए हर एक घर तक, आप मकान तक देखा जा सकता है, किसी का भी छोटी से छोटी प्रॉपर्टी देखी जा सकती है, तो वक्फ की एक एक प्रॉपर्टी पूरे देश की आइडेंटिफाई की जाएगी, जिसका अलग प्रोसीजर होगा, हम डिटेल जब कानून बनाएंगे उसमें वो सब डिस्क्राइब किया जाएगा। और ये इंटरैक्टिव मैप जो है ये एक बनाया जाएगा जो कि कोई भी किसी वक्त भी जाके कोई भी प्रॉपर्टी पे क्या हो रहा है अपनी आंखों से देख सकता है। एक हाई रेजोल्यूशन वक्फ का, वक्फ प्रॉपर्टीज़ का इंटरैक्टिव मैप भी बनाने का प्रपोजल करेंगे। अब उसके बाद 14वां प्रपोजल हमारा ये है कि जितनी भी वक्फ की प्रोसीडिंग्स होंगी वो सारी की सारी जो होंगी वो लाइव टेलीकास्ट होंगी। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग लाइव टेलीकास्ट होती है ना, तो वक्फ बोर्ड के अंदर की क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। और जितनी भी दूसरी प्रोसीडिंग्स होंगी उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वक्फ बोर्ड की मीटिंग्स की लाइव होगी, कोई अगर जाके सर्वे करने जाते हैं वक्फ के जो जो कमिश्नर्स होते हैं, सर्वे कमिश्नर्स, वो भी उसकी वीडियोग्राफी करेंगे, ये सब चीज़ें वीडियोग्राफ होंगी और वेबसाइट पे पब्लिक को देखने के लिए अवेलेबल होगी। ये भी हम एक प्रावधान इसमें रखना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद कोई भी आदमी अगर जानबूझ के किसी भी वक्फ एक्ट के प्रावधान को तोड़ेगा, कोई भी सरकारी अधिकारी या वक्फ बोर्ड के मेंबर या मुतवल्ली या दूसरे लोग, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट भी होते हैं, तो ये पब्लिक सर्वेंट जितने भी हैं तो उनके लिए अगर कोई कानून तोड़ के काम करेगा तो कम से कम 3 साल से लेकर 10 साल तक की उनकी सज़ा भी होगी, सरकारी अधिकारियों की भी। तो हमने ये सारे प्रावधान रखे हैं, 15वां था ये उसके बाद। और जो 16वां है वो जो सारे ऑफेंस जिसके अंदर होंगे वक्फ के कानून को तोड़ने के लिए, सारे कॉग्निजिबल होंगे यानी कि गिरफ्तारी के लायक होंगे, और उनको जो है जो वक्फ ट्राइब्यूनल ट्राई करेगा, और वक्फ ट्राइब्यूनल करेगा ट्राई BNSS के जरिए, जो कि पहले CRPC थी, उसका जो नया फॉर्म BNSS में आया है। तो ये हमने एक अपने 16 निकाती बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए एक अच्छे वक्फ कानून के, वो हमने प्रपोज किया है। हम पूरे देश के सारे दानिशमंदों से ये गुजारिश करते हैं कि इसमें अपनी सजेशंस दें, हमसे कोई पॉइंट छूट गया हो तो उसको इम्प्रूव कराएं, सबके मशवरे से
वक्त का एक्ट बनेगा और उसके लिए आंदोलन होगा। आंदोलन अब साथ के साथ दूसरा भी होगा, ये कानून रुकवाने के लिए जो अमित शाह साहब ने ऐलान किया है। इसको हम किसी कीमत पे कामयाब नहीं होने देंगे। हम शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब सिख क्रिश्चियन बौद्ध एसोसिएशन और उनके लोगों के साथ बात करके जल्दी आंदोलन का भी एक बड़े हम ऐलान करने वाले हैं। इस देश की 46% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इस वक्फ एक्ट के कानून के बाद उन सब के ऊपर हमला होगा और उसके बाद दूसरी चीज़ों के ऊपर भी हमला किया जाएगा सभी धर्मों के।